वात्सल्य अंग के ऊपर गुरुदेव श्री के प्रवचन है। आत्मा के असंख्य प्रदेश को बताने के लिए किसका उदाहरण है कि आत्मा में कितने प्रदेश ठसाठस भरे हैं, तीर्थंकरों का है कौन, कितने तीर्थंकरों का और क्या है, है? ना हुए तो अनंत न, सबका तो नहीं है, है? ना दस कोड़ा कोड़ी सागर में एक चौबीस ही होती, एक चौबीस हुई तो कह रहे अनंत कहाँ, अनंत हो तो फिर प्रदेश असंख्या, अनंत कहाँ से आए, असंख्य चौबीसी के जितने काल होते हैं, असंख्य चौबीसी, अनंत चौबीसी नहीं, असंख्यात चौबीसी के समय बनाओ काल, उनसे भी अधिक आत्मा के प्रदेश, सबसे बड़ा असंख्यात आत्मा का या लोकाकाश का प्रदेश होता है, इसके बाद एक जोड़ दो तो अनंत चालू हो जाए। तो ये लोकाकाश प्रमाण असंख्यात का आपको परिचय कराया कि कितना बड़ा था, चौबीसी से बताया कि असंख्यात चौबीसी यानी एक चौबीसी में कितना समय निकल गया, दस कोड़ा कोड़ी साठ, तो फिर कितनी चौबीसी हुई असंख्य, और उसके समय बनाओ कितना लंबा, यानी इतनी सी रोटी बासी बच जाती है ना, उसमें असंख्यात दो इंद्रिय जीव आ जाते, और इतने बड़े तीन लोक हुए, ढाई ढाई द्वीप, जहाँ मतलब ये असंख्यात का ज्ञान कराए, तो इतनी बड़ी जगह में भी असंख्य, दो इंद्री तीन इंद्री चार इंद्री पांच इंद्री असंख्यात से ज्यादा नहीं होती, अनंत नहीं होती, तो इतनी सी रोटी अचार में असंख्यात जीव, तो इतनी बड़ी जगह में भी असंख्यात, यानी असंख्यात कितने प्रकार का, असंख्यात भी असंख्यात प्रकार, तभी असंख्यात चौबीसी समय गिनाए और उसके समय बनाए, और फिर कहा कि ऐसे आत्मा ठसाठस प्रदेशों से भरा है और ठसाठस गुणों से भरा, प्रदेशों से क्या भरा, प्रदेश तो उसका क्षेत्र, उसमें अनंत अनंत गुण भरे। फिर कहा था जिन बिंब के दर्शन करते हो तो तुम कैसे कर लेते, कहा कि जिसे जिनेन्द्र देव के स्वरूप का ज्ञान होगा वो जिनबिंब के दर्शन में विचार करेगा कि ऐसे प्रदेश ऐसे गुणों का ये बिंब का प्रतिबिंब। मेरे आया था कि अनवरत प्रेम होता है, अनवरत का अर्थ क्या होता है,
सोते समय भी उसे साधर्मी का प्रेम, धर्मांतरों का प्रेम, पंच परमेष्टि का बहुमान यानी साधर्मियों का प्रति आदर है सोते समय भी, क्योंकि वो धारा 24 घंटे चलती है ना। जैसे जैनी व्यक्ति है तो उसकी करुणा की धारा चलती, आत्मज्ञानी तो उसे ज्ञान धारा चलती, ऐसे कसाई है तो उसे कसाई की धारा चलती, जैसी रुचि होगी वैसा 24 घंटे चलता है। पता तो आपको तब चलता है जब वो विकल्प आती, तो ऐसी असल की धारा 24 घंटे ज्ञानी जीव धर्मात्माओं के चलती है, साधर्मी के प्रति आदर भाव आदर। ये तीन भावना है, 16 कारण भावना होती है ना किसान, जो तीन भावना मुख्य है जिससे तीर्थंकर प्रगति में। कौन से? एक तो दर्शन में शुद्धि होना चाहिए, बात्सल्य और प्रभावना। ये बात्सल्य घटता जा रहा, प्रभावना बढ़ती जा रही, और वो प्रभावना नहीं कहलाती, पर वो एक्टिविटी तो होगी, आयोजन तो होगा, पर प्रभावना में मुख्य बात्सल्य, बात्सल्य में मुख्य दर्शन विशुद्धि, और दर्शन विशुद्धि में आत्मरुचि होगी उसे ये सब होगा। सैनिक महाराज वहां लड़ रहे मर रहे मार रहे ऐसा देखने में आए, और अभी भी उन्हें तीर्थंकर प्रकृति बन, तो उनको मारने का भाव नहीं है, तो बचाने के नाम से लड़ाई दिखती मारता हुए 45 नंबर का कलश है। तुम ज्ञान कृकच कलना पाटनमनाटयित्वा जीवा जीव स्फुट विघटनम नैव यावत्प्रयात विश्वं व्याप्य प्रसव विकसत व्यक्तचिन् मात्र शक्त्या ज्ञात्र द्रव्यं स्वयमतिरसात् तावदुच्चैश्चकासी। अब भेद ज्ञान की प्रवृत्ति के द्वारा यह ज्ञाता द्रव्य स्वयं प्रकट होता है, इस प्रकार कलश में महिमा प्रकट करके अधिकार पूर्ण करते हैं। मतलब सबको मालूम है कि पहला कलश और आखिरी कलश ज्ञान की महिमा सूचक होता है, ज्ञान का अभिनंदन करते हुए खड़ा होता है, तो इसमें भी ज्ञान का अभिनंदन करते हैं। इस प्रकार ज्ञान कृकच कलना पाठना, ज्ञान रूपी करवत का जो बारंबार अभ्यास करते हैं, नचाते हैं, जहां कहां नचाते हैं, जहां जीव और अजीव दो सत्ताएं विराजमान, तो क्या होता है इनके बारंबार अभ्यास करने से कि प्रकट रूप से अलग नहीं हुए वहां तो ज्ञाता द्रव्य अत्यंत विकास रूप होती हुई अपनी प्रगट चिन्मात्र शक्ति से विश्व को व्याप्त करके अपने आप ही अति वेग से उग्रतया अर्थात आत्यंतिक रूप से प्रकाशित हो रहा है। देखना ये प्रतिदिन एक सी चर्चा है और नए नए तरीके से भगवान कहते हैं। अभी ये कह रहे हैं कि आपका मुमुक्षु का साधर्मी का साधक का आराधक का एक काम भेद विज्ञान, और भेद विज्ञान दो सत्ताओं में होता है ना, एक अपनी और एक जो अपनी नहीं है पराई, और क्षेत्रों में भेद विज्ञान कर लेना तो बहुत सरल, पर अपने अंदर ही आपको अपने में भेद विज्ञान करना एक कठिन है। तो एक कठिन तो नहीं है क्योंकि उनके लक्षण आचार्य देव ने अपन को पढ़ा दिए, जीवादि जीव इति लक्षण तो विभिन्न, एक जीव है और एक अजीव है, दोनों के लक्षण न्यारे न्यारे तो अलग अलग होना चाहिए। अब कमल कुमार जी एक प्रश्न का उत्तर, जब ये करौत चलाएंगे ऐसा आरा चलाएंगे तो एक के दो टुकड़े होंगे कि नहीं, लकड़ी है और उस पर आरा चला तो एक लकड़ी की दो टुकड़े हो जाएंगे नहीं होगी डॉक्टर साहब? आरा मशीन आरा सांस से चला, इससे एक लकड़ी ले
उसकी दो टुकड़ी होगी कि नहीं। दोनों टुकड़ी अपने आप में पूर्ण पूर्ण कहाँ पूछ रहे हैं? अभी तो पूछ रहे हैं कि आरा चलाने से एक की दो हो जाएगी कि नहीं। मतलब अपन को ऐसा लगता है कि ये एक की दो कर दे, वो कह रहे हैं कि दो थे दो दिखने लगे। अभी जब इनको चन्मात्र ज्योति प्रकट हुई तो वो चैतन्य मात्र ज्योति पहले थी कि नहीं थी, और आज प्रकट हुई। इसका अर्थ क्या है कि है तो जीव ज्ञान स्वभावी, और ये जीव प्रति समय जानते ही देखता है, और जानने में जाननहार ही बैठा है। कुछ आता नहीं, न खाता है न पीता है, न जाता है न आता है, न कुछ राग रोग है इसके भीतर, न कुछ कमी है न कुछ करना है। और ऐसा ज्ञान चैतन्य प्रकाश ज्योति स्वरूप जीव को पहले दिखता नहीं था और अब दिखने लगा। कुछ समझ में आए अंतर क्या? किसका नाम है ज्ञानाभ्यास? किसे अपन क्या कह रहे हैं? अपन जो करते हैं वो ज्ञानाभ्यास कह रहा, और यहाँ कह रहे हैं कि तुम्हें ज्ञानाभ्यास करना। ज्ञानाभ्यास करना है यानी सतीश भाई, ज्ञानाभ्यास करना है। बिल्कुल शब्द देखो, रोज अपन सुन रहे हैं, और अपने चित्त में किस दिन बैठ जाता है और कैसी महसूस करते हैं। संजय भी ये बताओ, अभी आपको क्या दिख रहा? हमसे बाबू जी ने पहले दिन पूछा था, बताओ तुम्हें क्या दिख रहा? बोले आप हमारे आमंत्रित विद्वान हो, हम आपसे कुछ भी पूछ सकते। हमने कहा बाबू जी आपके सामने कोई विद्वान विद्वान नहीं होता, हम तो सीखने आते हैं। मुझे ये अभी बात नहीं चलेगी, अभी हमें बताओ ये क्या दिख रहा। ऐसा करके बताओ तुम्हें क्या दिख रहा। हमने कहा बाबू जी घड़ी। अरे बोले सड़क छाप आदमी बता दे ये घड़ी। ये तो घड़ी बताने में तो अभी बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति को बुलाओ तो वो भी कह देगा घड़ी। हम इसके लिए थोड़ी तुम्हें बुलाया। डॉक्टर साहब ये क्या दिख रहा? ज्ञान दिख रहा है, और जीव को घी दिखती। आप भाषा सुधार लोगे भली बात यहाँ बैठ के, पर सब जीवों को ज्ञान में क्या दिखते है? घी। और है क्या ज्ञान में? ज्ञान। ज्ञान में ज्ञान देखना, ये ज्ञान का अभ्यास। और इसको प्रैक्टिकल में पर कहने लगते शुद्धो व्यू, आराधना, साधक दशा, धर्म, ये शास्त्री ना। सच पूछो तो एक वस्तु में किसी दूसरी वस्तु का अस्तित्व तो है कि नहीं? नहीं है। और इसे क्यों दिखता है? ये महापाप। दिखना महापाप नहीं है, इसके चित्त में वो घी बैठ जाता है, ये महापाप। अज्ञान विधाता है महापाप। और ये कह रहे भाई साहब ये ज्ञान अभ्यास करो, जीवन थोड़ा है अभी चला जाए। ज्ञान अभ्यास करे मन माही, ताकि मूल महातम नाही। ये शास्त्र पढ़ना, बताओ देखा जी, ये शास्त्र पढ़ना ज्ञान अभ्यास है कि घी अभ्यास? सोच सोच रश्मि, ये शास्त्र पढ़ना ज्ञान अभ्यास है कि ज्ञाभ्यास? आप सोचो जरा, ऐसी भाषा बोलने से उत्तर हमें नहीं चाहिए। हमें ये कह रहे हैं कि इसमें तुम्हें ज्ञान स्वभाव दिखना चाहिए, इसका नाम स्वाध्याय। ये शास्त्र नहीं है यहाँ, वो निमित्त नहीं बन रहा, गे नहीं है, गे ज्ञान में नहीं जानने में आते, ये नहीं पूछना है। पर तुम्हारे चित्त में ज्ञान नहीं आता है, इसलिए ये बात को दे दिया कि जीव है ज्ञान स्वभावी, ज्ञान में गे है नहीं, गे दिखते हैं ये इसकी स्वरूप संपदा है, इसका सामर्थ्य है। परंतु गे से ज्ञान नहीं, ज्ञान में गे नहीं, ज्ञान में ज्ञान ही ज्ञान रहता है, ये वस्तु का स्वरूप है वास्तु। और ये अभ्यास के लिए कह रहे हैं। आइए इसके लिए क्या करना है डॉक्टर साहब, सनत बाबू, इसके लिए क्या करना है? कितने शास्त्र पढ़, कितने शिविर जाना,
न शास्त्र पढ़ने का निश्चित समझ, न शिविर जाने का निश्चित, इसमें आपकी विपरीत सोच का निश्चित कि आप क्या चाहते हो, हम कितने दिन तक ऐसा करते रहे तो आत्मा दिख जाएगी, रुके रहेंगे अभी दिख सकता है नहीं तो कभी नहीं दिख सकता। दिखती है ज्ञान चक्षुषे आत्म अभी अभी, मिलता है सदगुरु का समागम कभी कभी। ऐसी बात बताने वाले पुण्य अधीन, पुण्य के उदय में मिलते, पर ऐसा पुरुषार्थ आपके यहां कुछ सोचना, इसको बार बार मैंने पूरा ग्रंथ इसे कि ये चर्चा करें। इसे ये लिखा है कि दर्पण में चिड़िया नहीं, टीवी में आग भूकंप पानी नहीं। टीवी में क्या है प्रमोद भाई, टीवी के पर्दे में क्या है, कितने एक्टर हैं, कितने रंग हैं, क्या है, कुछ भी नहीं। टीवी के पर्दे पर धवलता है, स्वच्छता है, उसका सौंदर्य, वस्तु वस्तु अपने विलास को, स्वभाव को, चतुष्टय को कभी छोड़ती नहीं, तो उसमें क्या विकृति आ जाए। ये कह रहे हैं अभ्यास नहीं है, जरा करो, एक करने का नाम थोड़ी उपयोग और वीर लगाओ। जिन मत के अनुसार उद्यम करने पर, नहीं उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ करने पर, बोलो जिन मत के अनुसार उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ करने पर कार्य सिद्धि होती ही होती है। उद्यम पूर्वक पुरुषार्थ, नौवां अध्याय। उद्यम यानी साहस, आपका जो उल्लास है ना, उछलता मेरा, उछलता यानी उद्यम, और पौरुष यानी वीर, और इसमें शक्ति लगाओ। मेरे ज्ञान में खीर नहीं है, मेरे ज्ञान में शरीर नहीं, मेरे ज्ञान में ठंड नहीं, मेरे ज्ञान में गर्मी नहीं, मेरे ज्ञान में कौन है, ज्ञानी ज्ञान, ज्ञानी ज्ञान देखना ये पौरुष पना है, साहस। और क्या क्या देख लेता है, ये सब नपुंसक पना निकला था इसमें। 39 का मैंने भोजन किया, मैंने नहाया, मैंने आराम किया, अच्छा रहा अच्छा रहा, ये सब मिथ्या की बातें, अनंत भव होगा इसी तरह, क्योंकि जीव को ज्ञान की रुचि नहीं है ना श्याम, तो वो ज्ञान नहीं दिखता, और ज्ञेय की रुचि है तो वो दिखने लगता। छोटी सी कहां गई शुद्धि, और उससे पूछो ये क्या है, उसके ज्ञान में दिखता, तो उसे पूछो ये क्या है तो बताए नहीं। यानी बड़े पंडित जी बोले कि पशुओं को ये भी नहीं मालूम कि मेरा नाम आत्मा, और ये भी नहीं मालूम कि मेरा नाम पशु है, चिड़िया बैल, ये भी नहीं मालूम, और उन्हें उतने ज्ञान में गायक दिखता जिसको सम्यक दर्शन। वो नाम नहीं जानता कि जीव किसे कहते, अजीव किसे कहते, उसे ये जानता है सेंसेशन फीलिंग जान, भी इतने में सम्यक दर्शन ले सकता, क्योंकि ये जीव है ना, जीव को जीव ही तो महसूस कराना। अगर ये भाई साहब हमें मालूम है कि अब तुम सुन रहे हो, और इस समय सुनने का अनुभव कर रहे हो, ज्ञान का नहीं कर रहे, जिन वाणी को पता है, इसलिए वो बार बार कहती थोड़ा करो चलाओ, इसी समय ऐसा महसूस कराओ अपने ज्ञान को कि मैं नहीं सुन रहा, क्योंकि सुनने में कान चाहिए और मेरे आत्मा के कान नहीं हो, और यदि कान से सुनना जाना माना तो सिद्धों का अनादर है, अरहंतों का अनादर हो जाएगा, क्योंकि भी बिना कान की जान। पैसे से सुख मानना पंच परमेश्वरियों का नाम, 10 प्राण से जीवन मानना ये पुद्गल का आधार है, तिरस्कारी वृत्ति का आधार है, और गायक का घोर अनादर। जीव को इस जाति का कौतूहल जगना ही चाहिए कि मुझे अपने को पहचानना है, सुनना नहीं, सुनाना नहीं, जानना पहचानना। क्योंकि यदि ये काम इस पर्याय में नहीं हुए तो किस पर्याय में कहेंगे भगवान। धर्म की सबसे उत्कृष्ट कोई पर्याय है तो मनुष्य पर्याय। यहाँ ऐसे उपदेश होते हैं, ऐसे अवसर आते हैं, ऐसे देवसास गुरु मिलते हैं, यहाँ मध्य लोक में ऐसी व्यवस्थाएं सर्वज्ञ होते हैं, देश न खिलती है, और भव्य जीव श्रवण करते। तो इस प्रकार
श्लोक इस प्रकार यानी जो चर्चा चल चुकी पूरे जीव जीव अधिकारी कौन से प्रकार से चली कि भाई कर्म नौकर भाव कर्म कितने बोल बताए नेतास्त है 29 बातें बताएं ये जीव नहीं है। इसमें पुद्गल वाली बात तो समझ में आती कि शरीर संस्थान सेनन आदि जीव नहीं, परंतु उन्होंने कहा चित विकार भी जीव नहीं है, जो तेरे परिणाम होते हैं ये भी तेरे नहीं है, जीव नहीं है। क्यों नहीं है सुशील भैया जीव है? एक समय के होते हैं, जो सदा काल नहीं रहता वो अपना नहीं हो सकता। आकाश ये जो परिणाम होते हैं अभी भक्ति के पूजन के थे, ये परिणाम जीव के है कि अजीव के है? सोचो भाई, ये यदि ये नहीं सोचा तो जीव का अनादर होता है, इससे और कुछ नहीं। ये जो सुबह से शाम तक अप्रशस्त से प्रशस्त तक शुभ से अशुभ अशुभ से शुभ मंद से तीव्र तीव्र से मंद परिणति जीव की एक समय की तो सदा काल व्याप्त नहीं रहती, मोक्ष में नहीं होती, ज्ञानियों के नहीं होती, अनुभूति में नहीं दिखाई देती, मुंह कुछ मेरा नहीं उपयोग केवल एक एक उपयोग दिखता है तो मुंह तो नहीं दिखता हूं। मुंह नाम का कौन सा द्रव्य है? अखिलेश 6 द्रव्य नहीं, इसलिए उन्होंने कहा मुंह कुछ मेरा नहीं, जो चीजें नहीं वो मेरी कैसे हो जाए? तो क्या करना है? कर्म चलाना है यानी आरज, जिन परम पेनी शुद्ध छेनी डारी अंतर हेनी, अंतरंग में डाली जाती, बाहर नहीं। इनकी गड़बड़ी ये नहीं बताना। आपके परिणाम जो होते हैं जिसे गड़बड़ी कहते हैं, विकार कहते हैं, और आपका ज्ञान स्वभाव जिसे जीव वस्तु कहते हैं, इन दोनों के बीच में प्रज्ञा छेनी पड़ो। पट को कैसे पट के संग पट को कहां से लाओगे, कहां से पटो? प्रज्ञा छेनी यानी क्या है? शिखर जी कहते थे ना आप प्रज्ञा छेनी यानी क्या बताए तरस जी भाई? ज्ञान का नाम प्रज्ञा छेनी है कि नहीं? नहीं है, यही तो कह रहे हैं। ज्ञान को प्रज्ञा छेनी नहीं कहा, ज्ञान को ज्ञान कहा और उसके प्रयोग को प्रज्ञा छेनी लिखा ना। करवत चलाओ, चलाओ यानी दिन भर तुम्हें औदिक भाव होंगे और तुम्हें दिन भर उनसे वेद विज्ञान कर। ये मैंने क्यों नहीं हूं मैं? क्योंकि उनमें क्या कमी है? क्योंकि उनमें जानने की सामर्थ्य नहीं है, चेतना नहीं है। जहां चेतना नहीं वहां जीव नहीं। ये कब चलाना है? जब सुखी होना हो तब चलाओ, दुखी होना है तो नहीं। लुट गए नहीं लुटेगा जी। तो इस प्रकार यानी जो हमने आचार्य भगवंतों ने बार बार भेद विज्ञान किया, अरे रूह हो गया, शरीर ऐसा हो गया, अरे पैसा चला गया, अरे इज्जत बेकार हो गई, अरे तबीयत ठीक नहीं, जितनी बातें हैं, यदि तुम्हें सुखी होना है तो इन्हें भिन्न जानो, नहीं तो तुम्हारी दुख का पार नहीं। क्योंकि गड़बड़ी होती है कहीं, और सच पूछो प्रदीप भैया कि गड़बड़ी नहीं है परिणाम। जो रोग होते हैं ना उसे रोग वाले व्यक्ति से पूछो, शरीर से, कि आपको कोई तकलीफ है? बढ़िया है, उसे तो कोई तकलीफ नहीं। तकलीफ किसे होती? जो सुख स्वभावी व्यक्ति है वो दुखी हो रहा, जो ज्ञान स्वभावी है उसके अज्ञान चल रहा है। एक भी शिकायत भगवान के पास पुद्गल ने नहीं किया था। तो इस तरह से यानी भेद ज्ञान करने के लिए मानस बनाओ, प्रगट ज्ञान का सदुपयोग करो और दो विभाग बनाओ। एक विभाग में क्या होना चाहिए, एक विभाग में क्या होना चाहिए? प्रसन्न भाई बताओ, अपने विभाग में कौन सा चिन्ह होना चाहिए जिससे हम पहचान लेंगे कि ये हमारा स्वभाव? जिसमें चैतन्यता होती है, चित्त शक्ति है, चेतना चेतना जानना ये बेहतर रहता है। इससे पता चलता है ये कौन फीलिंग करता है, कौन है जिसे सेंसेशन होता है, कौन है जो जान रहा है। ये जान रहा है
और ज्ञान रात का हारे बिना कारण के होता नहीं, तो ज्ञान नहार है। आपको दिखेगा जानना और आपको देखना है जानना। आपको दिखेगी गी गिया का और आपको देखना है ज्ञाना का। आपको दिखेगी बोधिक भाव और तुम्हें देखना है पारणामिक भाव। थोड़ी सी मेहनत नहीं होती तो फिर कैसे, इतनी सी मेहनत है अपनी चीज में अपना पड़ना कठिन है कि सरल है? रुचि नहीं है तो बहुत कठिन है और रुचि है तो बहुत सरल। इस तरह से ज्ञान रूपी करवत, ज्ञान रूपी आरा, इसको कहते प्रज्ञा। ज्ञान को प्रज्ञा नहीं कहते क्योंकि ज्ञान तो सबके पास, और ये जीव लौकिक काम में तो प्रज्ञा का प्रयोग कर रहा है। ये हमारा घर आ गया, ये हमारी थाली, ये भोजन है, कपड़ा, ये लौकिक जगह तो वेद विज्ञान करता, नहीं तो लोक में भी नहीं रह सकता। यदि गिलास को और दूध को सर्वथा एक में एक मान लेता तो दूध पी नहीं सकता था, उसे भेद विज्ञान है कि गिलास अलग है और दूध अलग, तो पी लेता। ऐसे ये शरीर अलग है और भगवान आत्मा अलग है तो सुखी हो सकता। अब ठंडी लगती है शरीर को और रोता है चेतन। आत्म ठंडी शरीर को लगती है कि जीव को लगती है? ठंड पड़ रही है कि नहीं, इसका ज्ञान तो हो रहा है कि नहीं? जब आग जल रही थी तब गजकुमार को ज्ञान हो रहा है मुनिराज, तो अभी ठंड लग रही है सतीश भैया, जब तो तुम मफलर और जैकेट और टी शर्ट और इनर सब पहन के आए तो ठंडी लग ही रही है कि नहीं? ज्ञान हो रहा है, इसे बार बार लगाना पड़ेगा, कपड़ा और ज्यादा पहन के आ जाने का। परंतु विवेक ही जगाना कि ठंडी जीव को लग सकती नहीं, क्योंकि ज्ञान ठंडा हो जाए तो फिर जानेगा कौन? ज्ञान ही ठंडा हो जाए। बहुत बड़ा काम है, बहुत सरल काम है, वो सीधा साधा, पर करता नहीं है इसलिए बहुत बड़ा है। श्रीयाद बाबू जी ऐसा कहते थे कि बहुत बड़ा होता ना तो ये पशु नहीं कर पाता इसका। बोले जहां ज्ञान है वो ज्ञायक है और जहां ज्ञान है उसमें घी दिखती वहां है नहीं, इतना सा काम बताओ कैसे कठिन है? जिस पर्याय में ज्ञायक विराजमान है उसे पर्याय में ज्ञायक नहीं दिखता है, और जो घी विराजमान नहीं है वह दिखते हैं, तो काम बड़ा काम है। ये तो भ्रम ही का काम था, दूर हो सकता है पर मन बनाए तो दूर। पिताजी को अस्पताल में भर्ती किया है ना, और स्कूटर पे बैठा के ले जा रहे थे, एकदम से गिरे दशा यहाँ तकलीफ। अब इतने जोर से चल रहा है कि पूरा अस्पताल हिल जाए, तो डॉक्टर कहे भैया इनको इतना दर्द तो नहीं होना चाहिए, चिल्लाते कितना? यही गांव के आदमी है, जब कोई सुनता ही नहीं तो जोर से चिल्ला ना पाते। वहां तो कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं, तो वहां तो जोर से चिल्लाना पड़ता है कर्मचारियों को, ढोरों को, आदमियों को, वहां ऐसी चलती है। हमने कही कि इनकी आदत पुरानी है, तो आप नहीं समझे कि इन्हें बहुत दुख है, परंतु ऐसे ही आचार्य जी कहते इसके ज्ञान में कुछ हुआ तो है नहीं, चिल्लाता कितना रहता, कितना चिल्लाता भाई, और कुछ भी हुआ नहीं, होगा नहीं, छह द्रव्यों में कुछ हुआ कि नहीं, जीव और अजीव। देखो क्या सुंदर लिखा कि ज्ञान रूपी करवत का, यानी राग का नहीं, स्वभाव का नहीं, साधनों का नहीं, गियों को कलेक्ट करके नहीं, पढ़ पढ़ के नहीं, वो कहते प्रगट ज्ञान से अभी करो, अभी देखो कि ज्ञान में शास्त्र जिनवाणी द्रव्यध्वनि आ रही है कि ज्ञान में ज्ञानी नचरा। तो ज्ञान रूपी करवत का जो बारम्बार अभ्यास लिखा है, इसे एक बार कर लिया, बार बार क्या, इसमें राजेश भैया बता इन्हें लिखा कि बारम्बार अभ्यास, तो अपन ने एक बार समझ लिया, कितने बार समझ? अरे भैया समझ का मार्ग नहीं है जीवन जीने का, समझ तो सबको हो गई कि ज्ञान अलग और राग से होता क्या,
जीव दिन भर तो खुश इसमें रहता है कि तुम बहुत अच्छी हो, तुमने कितने अच्छा काम किया, तुमने ऐसा किया, इस बातों में खुश है। अब भी खुश करना चाहे तो तू हर समय ज्ञाता है, तो ज्ञाता रहने का अभ्यास तो कर। पर्याय बुद्धि से कोई बात करता तो खुश हो जाता, आप कितने अच्छे प्रवचन करते। तो असमान जाति द्रव्य पर्याय में एक अर्थ बुद्धि है मिथ्या और प्रसन्न रहता है। वो कह रहे थोड़ी अभ्यास बढ़ाओ इसका, ये अभ्यास करो कि मैं कभी भी देह रूप कर्म रूप राग रूप होता ही नहीं हूं, ज्ञान सदा काल ज्ञान ही रहता है। ये अभ्यास देखने का अभ्यास, ऐसे ज्ञान को नचा कर कहां नचाना है कोई बता सकता, कहां नचाना है ज्ञान को नचाना, प्रज्ञा को नचाना, कहां नचाएगा? कि जो ज्ञान है ना डॉक्टर साहब, उस ज्ञान में शरीर की राग है, ज्ञान में अभी साथ है ना सर, शरीर भी है, कर्म का उदय भी है, राग। तो अभी इस ज्ञान में जहां मन को अभ्यास करना वो ज्ञान में अभ्यास कर, तो ज्ञान में शरीर है कि कर्म है कि राग, तो ये नचाओ कि ज्ञान में ज्ञान दिखना, ये नचाना। कहा जाएगा कि भेद विज्ञान करो दो में, और करना दो में नहीं है, एक ही एक देखना, ये दो में भेद विज्ञान कहला। भेद से दो में कहा जाता है और वास्तव में अभेद ज्ञान है वो, परंतु प्रारंभ दोषित किया है, ये मैं नहीं हूं ये मैं। बहू जी सावधान देती थी कि छोटे से बच्चे को हजार महिलाएं बैठी थी और पुलिस वाले ने कहा जाओ तो अपनी मम्मी को खुद, तो अब वो देखता है ऐसी उसकी आंखें एक मिनट में ऐसी ऐसी करती जाती, तो वो पूछा कि खेसर लगा इतनी गोरी गोरी, ये भी मम्मी तेरी नहीं, तो वो बताओ उतनी मम्मियों का निषेध किस वंश से कर। हाँ स्वीटी है उसकी यहां बैठी है मम्मी, तो इस बल से वो कहता ये नहीं है, ऐसे ही जैसे ज्ञान में ज्ञान बैठा है वो कहता ये नहीं मैं, तो ये नहीं हुए कहना जीव जी दोनों प्रकट रूप से अलग नहीं हुए है, वहां तक करना पड़ेगा। जब तक देखो प्रकट रूप से अलग नहीं हुए, यहां दो तरह से, एक श्रद्धा में अलग नहीं हुए और एक जीवन में अलग। जब लो पोरस थके न तोलो, तब तक पुरुषार्थ चलेगा इतना। कौन सा पुरुषार्थ? प्रज्ञा छेनी पटकने वाला, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव के भी अस्थिरता से चक्र चलाने की, छह कण जीतने की, शादी कराने का राग आएगा और उन्हें बिल्कुल उसे अपना महसूस नहीं करते। किसके बल से नहीं करते? ये प्रज्ञा के बल से। वहां तो ज्ञाता द्रव्य अत्यंत विकास रूप होती हुई, अभी देखो सम्यक ज्ञान हुआ और ये सम्यक ज्ञान बढ़ता जाए। पता ना कौन बताए कि सम्यक ज्ञान बढ़ा तो कितना बढ़ेगा? अवधि ज्ञान रूप बढ़ेगा कि मने परे ज्ञान रूप की द्वादश ज्ञान? राम सम्यक ज्ञान बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा? अवधि ज्ञान हो जाएगा उसे कि नहीं? मने परे ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? केवल ज्ञान हो जाएगा कि? तो क्या विकास हो? किस तरह से जीव अर्थ निकालता है? किस तरह से सम्यक ज्ञान बढ़ेगा यानी उसकी चमक धमक स्थिरता की बढ़ेगी, शांति बढ़ेगी। अवध ज्ञान बढ़ना बढ़ना नहीं है, बने परे ज्ञान हो जाना सम्यक ज्ञान का प्रतीक नहीं है। आत्मा का ज्ञान आत्मा का रस लेता है, ये उसका बढ़। ऐसे अपनी प्रगट चिन्मात्र शक्ति से अब कहते कैसे समझ में आएगा कि विश्व सारा झलके तो भी वो घबराएगा नहीं। यहां तो जरा सा ज्ञान होता है तो ज्ञान मत खड़ा होता कि हम सब जानते, यहां कह रहे इतना ज्ञान, प्रांजल ज्ञान, पवित्र ज्ञान, निर्दोष ज्ञान, स्वच्छ ज्ञान,
शांति दाता ज्ञान, समाधान दाता ज्ञान, भेद को भेद, अभेद को अभेद जानने वाला ज्ञान बढ़ता जा रहा है, और उसे जरा सा भी कसाय का परिणाम तो नहीं, शांति बढ़ती जा रही है। हमें ज्ञान शांति देता हुआ प्रकट हो, अपनी प्रगट चिन्मात्र शक्ति से किसे व्याप्ता है, विश्व को व्याप्त करके, विश्व को व्याप्त करके यानी उसमें जाता है कि सारा विश्व जितना निर्दोष होता है ना उतनी ज्यादा झलकन बढ़ती, स्वच्छता बढ़ती जाती, और केवल ज्ञान पर तो पूरा तीन लोग झलकेगा और उसे बिल्कुल तीन लोग में रख दी, सकल की गाय कदापि मस्त रहती है अपनी। देखो बुरी राजा को कितना ज्ञान हो जाए और जरा सा मत नहीं है, जरा सा उस तरफ का बहुमान नित्य। देखो विष्णु कुमार मुनिराज को रहती थी, उन्हें जरूरत ही, और जरूरत करी लगी तो प्रायश्चित, रिद्धि का प्रयोग किया तो उसमें प्रायश्चित लिया। बता सोच अत्यंत विकास रूप होती हुई, यानी जो ज्ञान है ना निरंतर बढ़ता, तो बढ़ता है तो ज्ञान का अर्थ अपन ही निकालते हैं कि अब ये जानने की सामर्थ्य बढ़ती है, सब बढ़ता जाता है, हमें और प्रवेश दिखने लगे। ये नहीं दिखाना है, ये दिखाना है कि उसकी जितनी निर्दोषता बढ़ती है उतना राग घटता है, शांति बढ़ती जाती, स्थिरता बढ़ती जाती। ज्ञान का प्रांजल बना, पहले जरा सा जानता था तो उसमें ऐसा अटकता था, ज्ञान रुकता, घी लुब्ध ज्ञान, और ये ज्ञायक रस का ज्ञान, हाँ ये ज्ञायक का रस बढ़ता जाता है। और यहाँ पर जितना जितना वक्रता बढ़ती ना तो झलकन बढ़ती, तो झलकन में और जगत स्पष्ट जाने, उस स्वरूप समता में दुनिया झलके, पर इसे उस तरफ से विकास दिखता ही नहीं, विकास तो अपने से दिखता। जितना ज्ञायक के प्रति मगनता, लीनता, मुक्तता बढ़ती जाती है, इसका नाम विकास होता है, उसी अनुपात में आश्रम निर्मित होता जाता है, स्वच्छत्व में दुनिया झलकती। तो इतना बड़ा लिखा, विश्व को व्याप्त करता है, ऐसा अद्भुत ज्ञान है। ये प्रवचन सार में आया था कि जो एक को जानने में सबको क्यों ना जाने, तो एक को जानना सीख गया ना कि ऐसा राग द्वेष रहित जानना होने लगा, तो वो किसी को भी देखेगा और राग द्वेष खड़ा नहीं, ऐसा स्पष्ट ज्ञान होता है। अभी कैसा है, अपने घर में चोरी हुई, ऐसा अपन नहीं सुना अब, तो अभी हमें देखो कैसे चिंतन चलने लगे, तो अभी ये चोरी हुई इसके कारण से, ज्ञान हुआ इसके कारण से, कि ज्ञान नहीं है अज्ञान, जिसे ये कर तो इसलिए दुखी हो। अब ज्ञान पता कैसे चलता है इसे, कि हमने जाना तब से हमें दुख हुआ, वे कह रहे जाना तब से दुखी नहीं हुआ, जब से आत्मा को भुलाए तब से दुखी होता, क्योंकि उसे आत्मा को भुला के तो वो अपना माना और चला गया तो दुखी हो गए, तो ज्ञान से नहीं दुखी हुए, अज्ञान से और राग से दुखी। कितना स्पष्ट ज्ञान है और कितना निर्माण बना, वीरसेन स्वामी ने कितना लाखों श्लोक प्रमाण टीका लिखी, और कहते मैं कटपुच्छ बैल की तरह हूँ, वृषभ की तरह, जैसे पूछ कट जाती है ना बैल की तो उसकी शोभा नहीं रहती, जैसे मैं हिलाने लायक भी नहीं हूँ, इतनी मेरी मति कमजोर है, सब कुछ प्रतापित मेरे गुरु का। इतने बड़े दिग्गज आचार्य की इतनी लघुता कहाँ से आ गई, कि ज्ञायक समुद्र के सामने ये पर्याय लगते कितने, जैसे हल्का बनाता जा। उपरोक्त ज्ञान का अभ्यास करते करते जी अजी दोनों स्पष्ट भिन्न समझ में आए, तत्काल ही आत्मा का निर्विकल्प अनुभव हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, आत्मा श्रुत ज्ञान से विश्व के समस्त भावों को संक्षेप से और विस्तार से जानता, निश्चय से विश्व को प्रत्यक्ष जानने का उसका स्वभाव है, इसलिए यह कहा कि विश्व को जानता है, एक अर्थ ही। दूसरा अर्थ यह कि जीव अजीव का अनादिकालीन संयोग केवल अलग होने से पूर्व, जीव का मोक्ष होने से पहले, वेद ज्ञान की भांति भांति अमुक दशा होने पर निर्विकल्प धारा जमी जिसमें केवल आत्मा का अनुभव रहा,
ऐसा वह श्रेणी अत्यंत वेग से आगे बढ़ते बढ़ते केवल ज्ञान प्रकट कर लिया, रगातीय कर्मों का भी नाश हो गया और जीव धर्म अजीव से केवल भिन्न हो गया। इस तरह से दो तरह का भेद ज्ञान का लाभ। पहला लाभ क्या है कमल कुमार जी? पहला लाभ है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान हो जाए, और दूसरा लाभ है केवल ज्ञान हो जाए, यानी पूर्णता की प्राप्ति हो जाए। और उपाय कितने? उपाय एक ही, सभी दर्शन करो तो देह से कर्म से राग से भिन्न ज्ञान को ज्ञान भेदो। और ये 24 घंटे आपको यदि प्रारंभ करोगे अभ्यास करोगे तो चलने लगे। क्या चलने लगेगा? कि मैं अपने को ही जानता हूँ, अपना ही सेवन करता हूँ, मैं ही जीव, मैं ही ज्ञायक हूँ, मुझे और कुछ नहीं दिखाई देता, न मुझे कुछ देखने लायक है, और सब दिखे तो भी उसे ज्ञायक दिखे, समझ लेना ये रास्ते प्यार। और ज्ञायक ना दिखे और सब दिखे, सब दिख रहा कि नहीं? अभी सब जीवों की शिकायत रहती है, और तो सब समझ में आ रहा पर आत्मा ही तो नहीं दिख रहा। वो कह रहे आत्मा ही तो दिख रहा है और तो हमें बहुत समझ नहीं है, भाषा बदल जाने चाहिए प्रभु। हमें सब समझ में आ चुका है, अब ज्यादा समझना नहीं है, क्योंकि भगवान ने 6 द्रव बताए वो भी पता है, 7 तत्व बताए वो भी पता है, आत्मा करता ज्ञाता ये भी मालूम, कहीं बाहर जाना नहीं है धर्म के लिए, कहीं कुछ कमी आई नहीं है, आत्मा पूर्ण है, शुद्ध है, एक है, ज्ञायक है, ये सब समझ लिया, समझने में तो ही कोई कमी नहीं। इसको आदर आना चाहिए कि अरे जब इतना अच्छा स्वरूप है तो गदगद हो जाए, बुधित हो जाओ, ऐसा निकला है कलर से। अब तो प्रसन्न हो जाओ भाई, तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ हुआ नहीं है, तुम तो भगवान हो, ज्ञाता हो, चैतन्य। इस तरह से केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। एक दुआ कल पढ़ के अपन कर्ता कर्म अधिकार चालू करें। सहज